दिस इज द क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ एक्सरसाइज एक पॉइंट वन टेंस क्रिमिनोमेट्रिका एक पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टेन एक्सरसाइज एक पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टेन ध्यान दें क्या बता रहा है क्वेश्चन ट्राइंगल है एक पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल क्यू होगा ओके okay? और पी क्यू प्लस क्यू आर इज ट्वेंटी फाइव एंड पी क्यू इज़ फाइव सेंटीमीटर तो आपको साइन पी कॉस पी एंड टेंजेंट पी निकालना है साइन कॉस एंड टेंजेंट ऑफ एंगल पी सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है लेक दिस बी द राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें राइट right एंगल कौन सा दे रखा है क्यू पॉइंट जहाँ पे नब्बे डिग्री का कोण है वो क्यू दे रखा है क्यू सम कोण है इसलिए हम इस इस पॉइंट को जहाँ नब्बे डिग्री का कोण है उसको क्यू ही लिखेंगे तो उससे पहले पी लिख लो और उसके बाद आर लिख लो ओके तो पी कौन पी की बात कर रहा है साइन पी कॉस पी कैंजेंग पी निकालना है तो ये एंगल पी दिखा रही है हमने दिस इज़ द क्वेश्चन अब बोल रहा है जो ये साइड है दिस साइड पी टू क्यू दिस वन दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी क्यू दिस इज फाइव सेंटीमीटर पी क्यू कितना है फाइव सेंटीमीटर क्वेश्चन में और पी आर एंग क्यू आर दिस दिस इज पी आर एंड दिस वन इज़ क्यू आर इन दोनों का जोड़ कितना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्या बता रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके तो आपको अब निकालना है साइन पी कॉस पी एंड कैंजेंग पी दिस इज़ द क्वेश्चन शायद क्वेश्चन समझ आ गया सबको ओके okay? दिस वॉज़ द क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसको साइक कर देते हैं क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं अब ध्यान दें कैसे हमें इसे सॉल्व करना है अब ध्यान से देखो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं फिर से दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल ओके okay? आपको ये स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइंस देनी है और इस क्वेश्चन में क्या बताया था जो नाइन्टी डिग्री का कोण है दैट विल बी क्यू और ये पी रख देते हैं हम ये आर रख देते हैं तो ये वाला एंगल निकाल लें अब आपके पास साइड पी क्यू दी है फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब कौन पी निकालना है इसके साथ वाली भुजा दी है फाइव सेंटीमीटर इसकी एडजसेंट साइड इसको हम क्या कहेंगे बेस वी कॉल वी कॉल दिस बेस दिस इज द बेस ये है ही बेस है क्योंकि ये इस कोण की संलग्न भुजा इसके सामने वाले दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज हाई ओके तो परपेंडिकुलर और हाई ये वाली साइड और ये वाली साइड इसका जोड़ दे रखा है ट्वेंटी फाइव अब ध्यान दो क्या जोड़ दिया है P प्लस एच आप इस तरह से भी लिख सकते हो कौन कौन सी साइड दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो पी आर का मतलब है एच प्लस क्यू आर का मतलब है परपेंडिकुलर एच मतलब हाई पॉकन प्लस परपेंडिकुलर दोनों दे रखा है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एच मीन्स हाई पॉके ओके ये तो आपको पता ही है कि एच हाई पॉके होता है एंड पी इज परपेंडिकुलर क्लियर ओके तो ये है हाई पॉके प्लस परपेंडिकुलर क्लियर हाई पॉके प्लस परपेंडिकुलर इज गिवन ओके okay. अब आपको क्या देखना है अब आपको जो है साइड्स निकालने है। सबसे पहले साइन कॉस और कैन को निकालने के लिए पी और एच की वैल्यू चाहिए ये तो प्लस करके दिया है अब आप इसकी पी और एच की वैल्यू कैसे निकालोगे सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें लिखो पी प्लस एच परपेंडिकुलर प्लस हाई कितना दे रखा है पच्चीस सेंटीमीटर ठीक है तो अब पाइथागोरस प्रमेय लिखो पाइथागोरस प्रमे एच स्केयर बराबर है पी स्केयर प्लस बी स्कीयर यही है ना तो पी स्केयर क्या होगा पी स्केयर प्लस बी स्कीयर पी स्केयर उतार दिया बीस केयर आपके पास फाइव है फाइव का स्केयर ओके तो ये आ गया तो पी कितना होगा अब यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं यहाँ से पी प्लस एच पच्चीस है तो पी क्या हो जाएगा पच्चीस माइनस एच यहाँ पर लिख सकते हो आप यू मे राइट केयर पी इज़ इक्वल टू कितना आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एच पच्चीस वहीं रखा जहाँ है पी को हमने उतारा पच्चीस को ऐसे उतार दिया जहाँ है बराबर ले गए ना बराबर के परी पच्चीस उतार दिया प्लस का एच माइनस का एच हो गया क्लियर तो इस पी की जगह आप लिखोगे हो ट्वेंटी फाइव माइनस एच का होल स्केयर पी स्केयर हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस एच का होल स्केयर प्लस फाइव स्केर पी की वैल्यू डाली हमने यहाँ से यहाँ से निकाली हमने पच्चीस माइनस एच प्लस फाइव स्केयर हो गया ट्वेंटी फाइव ओके फाइव स्केयर का मतलब फाइव इंटू फाइव डैट इज़ ट्वेंटी फाइव अब आगे देखिए अब इसको हमने सॉल्व करना है ये क्या चीज़ आई ये आई थी एच स्केयर ओके तो अब ये पच्चीस माइनस क्या है दिया हुआ एच पच्चीस माइनस एच एच है ये दिस इज एच तो ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है ए स्कीयर ए की जगह पच्चीस है और बी की जगह एच है तो ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्कीयर ये है एच स्केयर माइनस टू ए बी ए पच्चीस है बी एच है माइनस टू इंटू ए ब्रैकेट में ही लिख दो या गुणा का निशान लगा टू ए बी ओके टू ए बी दिस वन क्लियर कैसे आया ये ध्यान दो ए माइनस बी का होल स्केयर ए की जगह पच्चीस ऊपर इसका स्केयर प्लस बी की जगह एच है बी का स्केयर माइनस टू ए की जगह पच्चीस बी की जगह एच माइनस टू ए बी वैल्यू डाल दिया हमने ए माइनस बी का होल स्केयर फॉर्मूला लगा के ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू टू ए एंड बी प्लस ये वाला पच्चीस उतार दिया प्लस पच्चीस ओके अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं दिस विल बी पच्चीस का स्केयर क्या हुआ पच्चीस गुणा पच्चीस छः सौ पच्चीस प्लस एच स्केर हो गया ओके आगे माइनस पच्चीस टू ए बी दो गुणा पच्चीस ये है टू इंटू पच्चीस गुणा एच पच्चीस इंटू दो पचास पच्चीस इंटू दो पच्चीस गुणे पचास या ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी साथ में एच है प्लस ट्वेंटी फाइव उतार दिया ओके ये हमने गुणा करना था आपस में ठीक है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा टू ए बी मल्टीप्लाई हो गया एच भी गुणा हो गया इसका प्लस पच्चीस ओके क्या किया मैंने पच्चीस स्केयर का मतलब पच्चीस गुणा पच्चीस छः सौ पच्चीस प्लस एच स्केयर माइनस दो गुणा ए गुणा बी पच्चीस गुणा पचास गुणा एच प्लस पच्चीस ओके अब छः सौ पच्चीस प्लस पच्चीस छः सौ पच्चीस प्लस पच्चीस कितना हो गया छः सौ पचास पहले हम क्या करेंगे पहले हम अंकों को प्लस करेंगे ये अंक यहाँ हो गए यहाँ हो गए नंबर्स नंबर्स को लिख लेंगे छः सौ पच्चीस प्लस पच्चीस कितना हो गया छः सौ पचास क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे ठीक है प्लस एच स्क्वायर माइनस पचास एच ये आ गया ना ओके प्लस छः सौ और यहाँ पर भी है एच एस केयर यहाँ भी एच स्केयर है यहाँ भी एच स्केयर है क्लियर एच स्केयर है, है ना ये जो हम हाई पॉकेयर लिखा है ओके यहाँ देखिए ये आपने लिखा था हाई पॉकेयर बराबर है परपेंगेकुलर ये आया था प्लस बेस सी आया था ए माइनस बी का होल स्केयर लगा के पच प्लस पच्चीस करके हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया तो ये आ गया इतना क्लियर अब ये एच स्कीयर एच स्कीयर कैंसिल हो जाएगा या एक साइड लाएँगे तो इस साइड ज़ीरो हो जाएगा ओके तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो अब देखो अगर या तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर दो या फिर इसको एच स्कीयर को एक साइड ला लो एच स्कीयर ये प्लस का ये इधर को आके माइनस का हो जाएगा ठीक है ओके बराबर से परे है छः सौ पचास माइनस पचास एच तो ये एच स्केर एस केयर ज़ीरो बच गया इसको आप यहीं भी काट सकते थे ये कह रही हूँ मैं आपको ओके तो ये सारा हमने ऐसे उतार दिया अब क्या करेंगे इससे आगे हम अब देखिए ये आ गया था आपके पास छः सौ पचास माइनस पचास एच बराबर है ज़ीरो तो छः सौ पचास माइनस पचास एच ये हो गया ज़ीरो ठीक है अब छः सौ पचास पचास एच को परली ले जाओ ओके फिफ्टी एच को दूसरी साइड ले जाओ तो छः सौ पचास बराबर से परे ज़ीरो है माइनस फिफ्टी का प्लस फिफ्टी एच हो जाएगा तो ज़ीरो में पचास एच जोड़ो ज़ीरो चाहे जुड़े चाहे घटे सेम ही रहता है ना तो पचास एच बराबर है, है छः सौ पचास इसका मतलब क्या हो गया एच इज़ इक्वल टू सिक्स फिफ्टी उतार दिया हमने पूरे का पूरा जैसा है यहाँ से पूरा उतार दिया ये एच बराबर है ये इतना उतार दिया अब बचा क्या ऊपर ये पचास ये पचास और एच के बीच में कोई साइन नहीं इट मीनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है जिस इन दो के बीच में कोई साइन नहीं थी इसका मतलब पचास गुणा एच है तो ये पचास परे जाके के गुणाकाय में चेंज होता है भाग में तो गिवाइड हो जाएगा काटो फाइव वनजा फाइव तेरह पंजे पैंसठ तो एच हाँ आ गया तेरह तेरह क्या आया सेंटीमीटर ओके अब अगर एच हाँ तेरह सेंटीमीटर है तो हमारे पास क्या दे रखा था एच हाँ आ गया आपके पास थर्टीन सेंटीमीटर ओके अब एच हाँ अगर आपके पास तेरह है तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया एच प्लस पी बराबर दिया है पच्चीस जो दो भुजाएं दी हैं वो परपेंडिकुलर और हाई पर्न्यूज पच्चीस दिया था ठीक है अब यहाँ से एच की जगह तेरह डाल दो तेरह जमा पी बराबर है पच्चीस ओके इट एम्प्लाइज इसका मतलब क्या है इक्ट एम्प्लाइज जो पी है वो निकाला है मैंने इसको यहाँ उतार दिया बराबर हमने उतार दिया पर हमने पच्चीस उतार दिया ये प्लस का तेरह यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो पच्चीस माइनस तेरह कितने बचे बारह तो परपेंडिकुलर क्या आ गया बारह सेंटीमीटर तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास ट्वेल्व सेंटीमीटर क्लियर तो पी आ गया आपके पास ट्वेल्व सेंटीमीटर और एच आ गया था आपके पास थर्टीन सेंटीमीटर दिस वॉज एच ओके तो आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे P आ गया कितना बारह सेंटीमीटर और H आ गया H कितना आया तेरह सेंटीमीटर ओके अब तीनों साइड्स आ गई हैं ठीक है ये पाँच है बेस पर पेंडिकुलर बारह है हाइपोटिन तेरह अब आप इसको सॉल्व करो ओके अब निकालो जो भी टी वी निकालने अब है अब साइन पी पूछा है तो साइन पी क्या होता है साइन ऑफ एंगल क्या होगा परपेंगे बटा हाई पौकेनियूस. तो परपेंगे कितना है बारह हाई कितना है तेरह हो गया ओके तो ये आ गया ट्वेल्व अपॉन थर्टीन क्लियर इसी तरह से कॉस पी पूछा है तो वो क्या हो गया बी अपॉन एच बी कितना है पाँच एच कितना है तेरह तो ये आ गया पाँच वक्त तेरह ओके उसी तरह से पूछा है टेंजेंट पी टेंजेंट पी क्या है टेंजेंट पी है पी अपॉन बी मतलब पी तो आपके पास एंगल है ये पी परपेंडिकुलर है इसमें कन्फ्यूज़ मत होना ठीक है परपेंडिकुलर बटा बेस तो परपेंडिकुलर कितना है बारह और बेस कितना है पाँच ये हमने वैल्यूज डाल दी और सॉल्व कर दिया इजी था ना इटॉज तो ईजी यहाँ देखिए साइन पी निकाला हमने तो साइन ऑफ दिस एंगल पी ये था परपेंडिकुलर बटा हाईपोटिन्यू बारह बटा तेरह फिर हमने कॉस पी निकाला कॉस एंगल पी ये होता है बेस व क्या हाइपन्यूज पाँच व तेरह फिर हमने टेंजेंट एंगल पी निकाला तो टेंजेंट एंगल पी होता है परपेंडिकुलर बटा बेस तो बारह बटा पाँच ये आपका आंसर आ गया दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर टेन अब इसी में देख लो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है इलेवन तो राइट और रॉन्ग है ये आपको वैसे भी आ जाना चाहिए क्वेश्चन इलेवन में देख लीजिए क्वेश्चन इलेवन का फर्स्ट कैंजेंट के का मान सदैव एक से कम होता है अब टेंजेंट ए कोई भी कैंजेंट का एंगल है तो क्या वो एक से कम ही होगा हमेशा तो मान लो कैनजेंट सिक्स की है तो कैनजेंट सिक्स की तो अंग्रुप तीन होता है वो वन पॉइंट सेवन थ्री होता है वो ऊपर होता है एक से ठीक है जैसे टेन सिक्स की है वो आता है अनग्रुप थ्री ठीक है तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो एक से बड़ा है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है ओके okay? ऐसे इसका सेकंड है राइट right है कि रॉन्ग है अगर कौन है कि, कि किसी मान के लिए सिकेंट ए बारह बता पाँच है तो कौन है कि सीकेंट ए ट्वेल्व अपॉन फाइव होगा कि नहीं होगा ये बता रहा है अब सीकेंट ए देखो ट्वेल्व अपॉन फाइव अगर इसको डिवाइड करेंगे तो टू फाइव जैक टेन टू पॉइंट फोर आता है तो ये वन से बड़ा है तो ये क्या है इट इज़ ग्रेटर देन वन तो सिकेंग के हमेशा ही एक से बड़ा होगा ओके थर्ड से कौड़े के लिए क्या है ये आप कर लेना थर्ड में क्या है कॉस ए कौसाइन ए को हम कौसाइन ए को ही कौ से लिखते हैं ठीक है कौ से कौसाइन ए के लिए प्रयोग होता है और यहाँ पे दे रखा है कौ से कौन ए के लिए प्रयुक्त तो एक संक्षिप्त रूप है नहीं कौ कौसाइन ए को पढ़ते हैं दिस इज द रोंग फोर्थ है कौटेंजेंट ए कॉटेंजेंट और ए का गुणनफल होता है दिस इज रॉन्ग आपको पहले ही बताया फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड भी रॉन्ग है फोर्थ में कॉटेंजेंट ए cot कॉट और ए का गुणनफल नहीं खंड नहीं है बल गुणा नहीं हो रहा है बल्कि ये एंगल है ए एंगल है कॉटेंजेंट किसी एंगल का ही ओके okay? तो ये गलत है आगे बोल रहा है कौन थिक्टा के लिए साइन थिक्टा फोर अपॉन थ्री तो वन पॉइंट सिक्स है साइन थिक्टा ग्रेटर देन वन आ गया तो दिस इज रॉन्ग साइन थिक्टा हमेशा एक से कम होगा ओके okay? तो आपको ये दिस वॉज द एक्सरसाइज एक पॉइंट वन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप इस पर जा सको हमेशा आपको मिलता रहे वीडियोस बेल आइकन दबाएं ओके okay, इसको गैंग